सर यहाँ पे देखें, ऊँट भी मिल जाएंगे आपको, कितना सुंदर यहाँ पे ले देखिए, बोल रहे जहरीला अब अच्छी लग रही है। हेलो गाइस, क्रंच आदि व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आ पा रहा था, तो अभी मौका लगा है तो मैंने कहा व्लॉग बना लेते हैं। अभी पूरे फैमिली मेंबर हम सभी लोग मिल करके जा रहे हैं एक जगह, वहाँ पे चलेंगे, क्या हो रहा है सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। गाइस अभी यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है, तो ये यहाँ पे मेरे बड़े वाले जीजा जी हैं गाइस, और जो साइड पे खड़े हैं वो चाचा जी हैं। ये देखिए मेरे जीजा जी की बच्ची है, यानी मेरी भांजी है, ये देख सकते हैं आप कितनी क्यूट और मासूम सी है। अब चाचा जी इसे भी हाय करवा रहे हैं। अब आगे चल के देखते हैं, ये है यहाँ पे मेरी बड़ी वाली दीदी, और ये जो गोद पे बैठा है इनका लड़का है। तो गाइस अभी यहाँ से भी गाड़ी निकल चुकी है, और ये है मेरी भांजी बड़ी वाली, देखिए मुझे किस तरह परेशान कर रही है बार बार, और अब जीभ निकाल करके चिढ़ा भी रही है। तो अभी गाड़ी रुकी हुई है नाश्ता पानी के लिए, ये यहाँ पे है होटल, और वो साइड पे वहाँ जीजा जी लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पे देखिए ब्रेड पकौड़ा है, जो कि मेरी छोटी वाली बहन लेकर के बैठी हुई है। चलते हैं आगे और देखते हैं बड़ी वाली दीदी क्या कर रही है, तो पूछते हैं इन्हीं से क्या खा रही है। ये क्या खा रही है? ब्रेड पकौड़ा आलू बंडा। ये यहाँ पे बैठी हुई है दादी, क्या खा रही है अम्मा? तू मिठाई खा रही है, शुगर पेशेंट है लेकिन मिठाई खाना बंद। ये यहाँ पे दीदी बैठी हुई है पूरा डब्बा लेकर के मिठाई का, हम अकेले नहीं खा रहे सबको खिला। अच्छा, मुझे लगा अकेले खा रही है। तो भाई सभी गाड़ी रुकी हुई थी, सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये यहाँ पे दीदी चाची भी है, बच्ची को खिला रही है। मेरी तबीयत सही नहीं है फिलहाल तो, और जी भी मचला रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। अभी वहीं पहुँचेंगे तो अगर लगेगी भूख तो खाऊंगा, नहीं तो आज सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाएगा। तो गाइस अभी गाड़ी चल पड़ी है, और वो है नदी, और हम लोग हैं इसके पुल के ऊपर। ये देखिए गाइस ये कितना बेहतरीन लग रहा है यहाँ से देखने पर, ये जो है इसकी मजबूती को चारों तरफ से बना करके रखता है। तो बस हम लोग अभी पहुँचने ही वाले हैं, और जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जूम करके, तो गाइस ये है एक मंदिर, अगर यहाँ हम लोग चलेंगे तो मैं इसका दर्शन आपको ज़रूर कराऊँगा। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें पहुँचना था, यहाँ पर पीछे खड़ी हुई है गाड़ी। अभी सभी लोग फैमिली हैं वो उतर, अभी मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, जो भी है सबको दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको मिलाता हूँ अपने बड़े वाले जीजा जी, बड़े वाले माइकल राजू इसका नाम है, खुद से टीवी का सीरियल देख देख के रख लिया इसने। तो गाइस यहाँ शुरू करता हूँ, यहाँ गाड़ियाँ हैं सब बीच में ही पार्क हो जाती हैं। देखिए ये यहाँ पे देखिए दुकानें लगी हुई हैं, जूम करके दिखाता हूँ, और ये यहाँ पे देखिए सभी दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं। ये सामने जो है बर्तन का दुकान है, देख सकते हैं सामने आपको, बड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा किला है, कहा जाता है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का किला है। और ये यहाँ पे देखिए सुंदर सा अपने भारत का तिरंगा लहरा रहा है, इसे देखने के बाद काफ़ी गर्व होता है। ये यहाँ पे एक भैया है, ये भी यहाँ पे आ चुके हैं अभी। भैया हाय बोलिए, ब्लॉग बन रहा है। हेलो, कानपुर से इतनी दूर आए हैं लाडली के लिए। तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सभी जगह दुकानें, ये देखिए गाइस यहाँ पे जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ तक यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। गाइस यहाँ पे हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है, मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाने को सभी जगह देखिए गंगा जम के भी है, और वो वहाँ पे है गंगा का घाट, वहाँ पे अभी बच्ची का मुंडन होगा। इस गंगा के घाट में आजकल यहाँ पे देखें ऊँट भी मिल जाएंगे आपको, कितना सुंदर यहाँ पे देखिए सजा हुआ है, और वो वहाँ पे देखिए तांगा भी मिल जाएगा अगर आपको कहीं जाना है, यहाँ पे घोड़े के साथ तांगा भी है, और एक ऊँट वो वहाँ पे जा रहा है, तो आजकल ये भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध हो गई है। देखिए गाइस यहाँ पे अगर आपको नदी पे जाना हो तो नाव भी मिल जाती हैं। ये यहाँ पे देखिए डब्बे हैं, जो कि यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे बैठ करके बेच रहे हैं, इन डब्बों में पानी भर के आप करके ले जा सकते हो। देखिए गाइस एक बार कोशिश करता हूँ, भीड़ है यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे छोटे वाले जीजा जी, ये है पहले भी आप लोगों ने इसको ब्लॉग में देखा होगा, और ये यहाँ पर सारे परिवार वाले हैं। ये है यहाँ पे दादी, ये बड़ी वाली दीदी है, ये मेरी बीच वाली है बहन, और वो वहाँ पे सबसे छोटी वाली बहन है, और ये यहाँ पे चाची है। यहाँ पे कार्यक्रम दीदी दादी ने स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे
चादर बिछा रही है वो बच्ची के साथ जो होने वाला है ये बिल्कुल उस बात से अनजान है बेचारी। अभी इसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है कुछ भी बेचारे को नहीं पता था इतने दूर दूर को ले आए यहाँ पे एक साल की उम्र वाली। ओहो बस चुप हो जा बेटा, दो मिनट का काम है, बस 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 बेचारी के आधे बाल चले गए। सू रही है बार बार, अभी सारे मुंडन जो वाली यहाँ पे देखे जा रहे हैं, अब यहाँ पे इनकी मम्मी आ गई है, उनको बहुत ले लिया होता था चुप हो जाती, लेकिन मम्मी से भी अभी चुप नहीं हो रही है। ये यहाँ पे माई बुआ जी आ रही हैं, ये भी यहाँ पे रहती है इलाहाबाद पे प्रयाग है, ये बड़ा ये साफ हो गया पूरा, बस कितना थोड़ा सा और बाकी है। बची है हल्दी और खीर जो कि इसके सर पे लगाया जाएगा। ये अच्छी लग रही है एक की मार के इसको नदी में डाल देना है जो ठीक है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है बिना बालों के, कितनी देर से रो रही थी बेचारी मुक्की हो गई रो रो के, अभी अपना बॉटल दे दूँ पी रही है। ये यहाँ पे भैया जी के साथ लेके आए हैं, ये देखो बोल रहे हैं यार इतना भाई अगर काट के ना यार गलत हो जाएगा तो समझ लेना। ये देखिए भैया डर लग रहा है, दे वापिस कर दो, यही समझदारी है, समय पर उसको खिला के वापस कर दिया। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे दिखाया आपको इतनी भीड़ है, कुंभ के मेले के समय ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। लोग इस पे डूब भी जाते हैं, ये जिस तरह भाई यहाँ पे कर रहा है वैसे मैं भी कर लेता हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ा सही नहीं है भाई, तो अभी यहाँ पे गंगा जी का बस स्नान वैसे ही ले लेता हूँ। ये लग गया इस गंगा के घाट में मैंने नहाया नहीं, अभी सारे मेरे फैमिली मेम्बर नहा करके फुर्सत हो गए क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, पानी से थोड़ा थोड़ा स्नान कर लिया और यहाँ पे देखिए सभी की तरह छोटा छोटा भी लगवा लिया है। अभी देखते हैं चलते हैं आगे मंदिर है, सभी दर्शन करते हैं आपको।